Hello guys, so it's about farmers versus farm laws. So who is basically benefiting from these farm laws, and does it really hurts farmers? So this is the question we are going to discuss today. So before that, we must know some basic facts about the Indian farming system. So if I start with the study conducted by the ICRIER with partnership with the OECD, so we can found that the period over 2001 to 2017, Indian agriculture was implicitly, mark this word, implicitly taxed to almost 14% of its value. सो इस स्टडी में पाया गया कि इंडियन एग्रीकल्चर की एक मतलब आउटराइटली उसे टैक्स नहीं करा जा रहा है, बट इम्प्लिसिटली इट वॉज टैक्सड टू 14% ऑफ इट्स वैल्यू. और ये था जो हमारी जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज जो हैं, जैसे कि APMC वगैरह का सिस्टम है, इस वजह से. इसी के साथ साथ जो हमारे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स वगैरह हैं, स्टॉकिंग लिमिट्स हैं, इन सब की वजह से ये इम्प्लिसिट टैक्स जो है 14% का एग्रीकल्चर पे लगा. अब फार्मर्स की जो प्राइस रियलाइजेशन है उसको इम्प्रूव कैसे करा जाए, ये भी एक क्वेश्चन है. तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इसे लिबरेट कर दिया जाए, लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर में भी करा जाए. बट देन द फार्म लॉज अंडर डिस्कशन आर इंटेंडेड टू डू प्रिसाइसली दैट, बट फार्मर्स आर नॉट हैप्पी विद दिस. नो, विच फार्मर्स आर नॉट हैप्पी विद दिस? सो वाई द अनदर क्वेश्चन फॉर अस इज वाई पंजाब एंड हरियाणा फार्मर्स आर द ओनली फार्मर्स हु आर मोर इंटेंसली एजिटेटिंग फॉर दिस, फॉर दिज रिमूवल ऑफ दिस फार्म लॉज. सो दीज आर सम क्वेश्चंस. देर आर सम फेमस रिफॉर्मर्स लाइक शरद जोशी हु फोट हार्ड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड दे ऑल्सो डिमांडेड द लिबरलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर. राइट, सो APMC मार्केट एंड दिज MSP काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी रिमूव्ड बाई दिस लॉ. सो दिस इज क्लियर कट, एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशन इन द लॉ एंड ऑल्सो क्लेरिफाइड बाई अवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट गोना हैपन. सो दिस लॉज, सो हु आर गोना फेवर दिस? सो बेसिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाई दिस लॉज, बिकॉज इफ यू नो दैट 86% ऑफ इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल, and only the remaining ones are the larger ones. And these small and marginal farmers are from states other than the Punjab and Haryana. So that's why Punjab and Haryana farmers are agitating, and the other farmers are not agitating for these farm laws. So another question is of MSP. So what MSP really does? So according to a survey of the NSSO, there was a survey of NSSO. Now this survey has clarified that in 2012 and 13, this year only 6% of the farmers sold their produce at MSP. Only 6% of the farmers sold their produce at MSP. Now ये MSP के ऊपर जो ये sold करा था जिन farmers ने, वो सब के सब बड़े फार्मर्स थे, जो कि छः जो जो अकाउंट होते हैं सिर्फ 6%. इसके बाद में कोई हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टडीज़ हुई है 2018-19 के अंदर, उसके अंदर भी अगर स्टडी हुई है तो यही पाया गया है सेम डेटा कि 6% फार्मर्स. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जिसकी MSP ने मिल रही है, अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो इट कम्स आउट ओनली 6%. यानी कि पूरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 6% जो प्रोडक्शन है, सिर्फ उसी के ऊपर 6% फार्मर्स है जो लोग MSP का फ़ायदा उठा रहे हैं. यानी बेसिकली MSP का फ़ायदा एग्रीकल्चर के सिर्फ 6% सेक्टर को मिल रहा है. तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या पूरे इंडिया में MSP लागू नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि MSP पूरे इंडिया में लागू है, लेकिन इंडिया के अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, वो लोग इतनी बम्पर प्रोडक्शन नहीं कर पाते कि MSP का वो फ़ायदा उठाए. वो खुद के लिए या फिर थोड़ा इधर उधर बेच के काम चला लेते हैं, वो APMC में जाते ही नहीं है. सो MSP का जन्म हुआ 1965 में, ये सब हमें पता है.
कॉस्ट होता है, जो हमारा कॉस्ट ऑन एग्रीकल्चर प्राइसेस, कॉस्ट एंड प्राइसेस का जो कमीशन है, ये हमारा कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसका नाम कुछ और था राइट, इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन। तो देखा गया कि जो FCI वगैरह हैं, जितने भी लोगों ने ये हमारा प्रोक्योरमेंट करा है, ये कवर करता है सिर्फ 6% ऑफ फार्मर्स को, और ओनली द 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्री प्रोड्यूस। और ये जो MSP और APMC सिस्टम है, ये किन लोगों को हेल्प करता है? इट हेल्प दोज फार्मर्स हु हैव लार्ज सरप्लसेस, मेनली द लार्ज फार्मर्स। सो इफ वन रियली वांट्स टू हेल्प द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, द राइट अप्रोच इज थ्रू द FPOs, दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी इसमें होगा क्या, छोटे छोटे फार्मर्स को एकजुट कर लिया जाएगा, और उसके बाद में जो उनका प्रोडक्शन जो है वो कलेक्टिवली सॉल्व करा जाएगा। दैट्स वाई उनकी लॉबिंग पावर बढ़ जाएगी और बार्गेनिंग पावर, सब कुछ उनकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो है इन सभी फार्मर्स को एकजुट ला के MSP का इनका फ़ायदा दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। अब ऐसा क्या करें कि फार्म लॉज जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाए? तो हमें सबसे पहले फार्मर्स को समझाना पड़ेगा, जो ये पंजाब हरियाणा वाले एजिटेशन कर रहे हैं, कि MSP सिस्टम बना रहेगा, आप लोग घबराएं नहीं। साथ ही साथ इन्हें ये भी डर है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनसे जब लैंड एग्रीमेंट होगा तब हमारी लैंड जो है वो छीन ली जाएगी हमसे। तो इन्हें ये भी बताना चाहिए कि जो आपका एग्रीमेंट होगा प्रोडक्शन पे, वो लैंड के ऊपर नहीं होता है, वो आपकी क्रॉप के ऊपर होता है। तो इन एनी केस अगर आप डिफ़ॉल्ट भी करते हो क्रॉप पे, तो आपका जो लैंड जो है वो आप ही के पास रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ये कर सकती है कि गवर्नमेंट की जो प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम है, उसके अंदर अलग से एक फ़ंड बना दे अच्छा खासा, ताकि जो MSP के अंदर जो कमी आती है, तो उसका डिफरेंस जो है वो फार्मर्स को सीधा DBT के थ्रू पे कर सके। और ऐसा ही करंटली हो भी रहा है कई जगह, जैसे कि हमारा नाफेद है और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी है, ये लोग इस तरह के ऑपरेशंस पहले से कर रहे हैं राइट। तो इसके अंदर कोई दोराई नहीं है कि फार्म लॉज को हटा देना चाहिए आउट राइटली। सो दीज आर वेरी गुड फॉर द फार्मर्स एंड दीज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, एंड द फियर्स ऑफ फार्मर्स हु आर मिसलेड बाय द पोलिटिकल प्रोपेगेंडाज, सो दिस शुड बी ओवरकम। सो वन मेजर क्वेश्चन इन दिस अप्रोच इज हाउ टू डील विद द लॉसेज व्हेन दिस गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड स्टॉक्स आर अनलोडेड इन द मार्केट, इज दे विल इनवेरिएबली इनकर्ड लॉसेज, एंड इफ स्टॉक्स कीप पाइलिंग अप एज इज द केस विद व्हीट एंड राइस, हाउ डू वी करेक्ट दिस इम्बेलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई? नाउ इन दैट केस इधर लिमिट द साइज ऑफ द प्रोक्योरमेंट और गो फॉर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स टू दोज हु बाय put options at MSP for specified quantities at the time of sowing. An expert committee will have to be set up to look into this operational guideline. A further positive step will be to announce diversification package of for Punjab and Haryana belt of the farmers. So solution for this, the bigger solution for this is diversification for the Punjab and Haryana farmers. So if government repeals these laws, then it's like it will be hurting around 90% of the farmers of India, right? So this is very serious question that government, whether should government become complicit with the farmers or whether it convince the farmers to implement these laws. So it is very important to implement these laws, as it is benefiting the overall sector of the farmers. As we know already that MSP is only benefiting 6% of the farmers of India. Right. So this is all about this lecture.